Welcome to Gyandip School. Today I am teach you class 3 subject math 4 digit number chapter 1st. Today's topic is expanded form. देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स होता है कि कैसे हम उस किसी भी चीज़ को एक्सपैंड मीन्स होता है बड़ा करना, पहले तो आप जानिए एक उसको कैसे हम बड़ा करके एक नंबर को लिख सकते हैं, इससे हम एक्सपैंड बोलते हैं, ठीक है। एक नंबर को किस तरीके से हम लोग उसमें प्लस का साइन यूज़ करके उसमें उसको बड़ा करके लिख सकते हैं, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म व्हेन वी राइट अ नंबर इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट इट इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट नंबर। जैसे किसी भी नंबर को जब हम लिखते हैं उसके टर्म में, उसके प्लेस वैल्यू में, और किस साइन का यूज़ करते हैं, प्लस के साइन का यूज़ करते हैं उस, और डिजिट्स को हम लोग उसके प्लेस वैल्यू पे हर एक डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू के साथ लिखते हैं और उसमें प्लस का साइन यूज़ करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल 2617 इज मेड अप ऑफ 2600, 110 and 7 ones। तो हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, दस द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2617 इज, अब देखिए हम लोग ऐसे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2617 को। जैसे कि आप देख रहे हैं 2617 मैंने लिखा है, और इसमें इसको हम लोग सबसे इजी वे में पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 2 लिखेंगे और जितना इसके बाद का डिजिट्स है उसको हम उतना 0 डाल देंगे, ठीक है। जैसे 2 है और 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ 1, 2, 3, हम राइट साइड से पढ़ते हैं नंबर्स को, ठीक है, तो इसलिए हम राइट साइड से काउंट करेंगे, तो यहाँ 1, 2, 3 थ्री डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स है, और 2 यहाँ आगे में लिखा हुआ है, इसलिए हम पहले सबसे पहले 2 लिखेंगे और 3 0 पुट कर दे सकते हैं। ऐसे पहले तो आप देख लीजिए ये कि प्लेस वैल्यू कहाँ किसका है, ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, और ये थाउजेंड का प्लेस, सॉरी ये हंड्रेड्स का प्लेस है, और ये थाउजेंड का प्लेस है, ठीक है। तो 2 जो है हमारा वो कौन से प्लेस में है, 2 हमारा 2000s के प्लेस में, इसलिए हम लोगों ने इसे 2000 लिखा। फिर किस साइन का यूज़ करते हैं, प्लस के साइन का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोगों ने प्लस का साइन दिया। अब देखिए यहाँ 6 है, 6 कौन से प्लेस में है, 600 के प्लेस में है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 600s लिखा है। फिर हम लोगों ने यहाँ प्लस का साइन यूज़ किया है, और उसके बाद हम लोगों ने देखो 1 है, और कौन सा प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, इसलिए 1, 10 लिखा है, ठीक है। अब प्लस का साइन यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ एक डिजिट जो है वो 7 है, और 7 कौन से प्लेस पे है, वंस के प्लेस में, इसलिए हम लोगों ने 7 लिखा है, 7 वंस के प्लेस में है, से 7 ones लिखा है, ठीक है। और एक तरीका है जो मैं बता रही हूँ, वो देखिए शॉर्टकट मेथड में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, जब आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, तो अगर आप किसी भी लिखने में आपको ऐसे याद नहीं है, जस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड में याद नहीं आता है, तो हम उसे कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाएंगे, तो ये देखिए 2 है और यहाँ 1, 2, 3 तीन डिजिट्स है, इसलिए हम 2 के बाद 3 0 पुट कर दिए, 1, 2, 3 यहाँ 7, 1, 6 के जगह में मैंने 0 पुट कर दिया है, ठीक है, 3 0 पुट कर दिया। फिर हम लोगों ने प्लस का साइन दिया है, अब देखिए 2 के बाद कौन सा डिजिट्स है, तो वो 6 है। अब ये इसके बाद कितने 6 के बाद कितने डिजिट बच रहे हैं, 2 डिजिट बच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ही हम लोगों ने 2
ज़ीरो पुट कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग प्लस का साइन यूज़ करेंगे और यहाँ देखिए वन है, वन के बाद कितने डिजिट्स है, तो वन के बाद एक ही डिजिट बच रहे हैं जो वन डिजिट है, इसलिए हम लोगों ने वन के बाद ज़ीरो लगा दिया है, ज़ीरो के साथ वन और ज़ीरो लिख दिया है, प्लस फिर हम लोग ने प्लस का साइन दिया है और यहाँ हम लोगों ने सेवन लिखा है, ठीक है। इफ वी रिवर्स दिस प्रोसेस वी कैन गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। जब हम इसी नंबर को उसको उल्टे प्रोसेस में, मतलब इन ये जो नंबर जो हम लोगों ने एक्सपेंड किया था, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, इन सभी नंबर्स को हम जब ऐड कर देंगे तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, ये नंबर जो लिखा है इस नंबर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, और ये जो इस तरीके से लिखा है इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इन सभी को हम अगर ऐड कर देते हैं तो हमें कौन सा फॉर्म मिल जाता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक। दस द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 2000 + 600 + 10 + 7 = ये क्या हो जाता है, देखिए 2617 बन गया, ठीक है। इन सभी को हम लोगों ने ऐड कर दिया और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, शॉर्ट फॉर्म, ठीक। अब देखिए सॉल्व एग्जांपल है, ये एग्जांपल्स के जरिए मैं आप लोग को ये एक्सपेंडेड फॉर्म समझने में आप लोग को बहुत आसानी होगी, क्योंकि यहाँ कुछ सॉल्व कर दिया गया है कि किस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे। ये देखिए एग्जांपल्स नंबर वन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, बोल रहे हैं कि हमें लिखना है नंबर को किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ एक नंबर है 3752, ठीक है, इसे हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, तो वो किस तरीके से, देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3752 = देखिए मैंने बताया था आप लोग को, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं रह रही है तो जितने डिजिट्स है उसको बाद में आप ज़रूर, हमेशा प्लेस वैल्यू तो याद रखना होगा, क्योंकि बिना प्लेस वैल्यू के हम नंबर सही नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हमें प्लेस वैल्यू हमेशा याद रखना चाहिए। बाय द वे कभी ऐसी मिस्टेक होती है कि नहीं याद है, तब आप इसी से शॉर्टकट मेथड में बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप 1, 2, 3 डिजिट्स है, आप 3 डिजिट में 30 पुट कर देंगे, ठीक है, 3 लिख के 30 पुट कर दिया हमने, फिर प्लस का साइन दे दिए, फिर उसके बाद के डिजिट क्या है, उसके बाद 7 लिखा है, तो 7 लिख के कितने डिजिट बच जा रहे हैं, 2 डिजिट बच जा रहे हैं लेफ्ट, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ 20 लगा दिया। फिर आप प्लस का साइन देंगे, फिर 5 लिखेंगे, 5 लिख के यहाँ उसके बाद कितने डिजिट बच रहे हैं, तो 1, तो इसलिए 10 लगा दिए, ठीक। अब 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए प्लस का साइन देके सिर्फ 2 लिख दिए। लेकिन सबसे हमें जनरली हमेशा क्या करना चाहिए कि हमें 2 प्लेस वैल्यू हमें याद रखना चाहिए। 2 देखिए हमारे वंस के प्लेस में था, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 2 लिखा है, और 5 हमारे टेंस के प्लेस में, इसलिए 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देने से वो क्या बन जाता, 5 × 10 = 50, ठीक है। अब 7 हमारा 100 के प्लेस में था, इसलिए 7 को हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 100 क्या होगा, 700। अब 3 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1000 से, इसलिए वो 3000 बन गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर है 6083। अब एक ये देखिए हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे डाला है, सजाया है, वो किस तरीके से, तो 6083 को 6 जो है हमारा कौन से प्लेस में है, 1000 के प्लेस में है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 6000 लिखा है। अब देखिए 6 के बाद कितने ज़ीरो, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, इसलिए हम लोगों ने 3000 यहाँ पुट किया है, ठीक है। फिर प्लस का साइन देंगे, अब देखिए 100 के प्लेस में क्या है, 0 है,
तो इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि ज़ीरो का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ज़ीरो ही होता है, क्योंकि ज़ीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो होता है। अगर ज़ीरो 100 के प्लेस में हम इसे अगर 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही रहेगा, इसलिए प्लस का साइन देके हम लोगों ने यहाँ ज़ीरो ही लिखा है। अब 8 लिखा है और 8 के बाद कितने डिजिट थे, 1 डिजिट थे, और 8 हमारा टेंस के प्लेस में था इसलिए हम लोगों ने 8 10 80 लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 है, 3 कौन से प्लेस में था, 1s के प्लेस में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 3 हो गया, ठीक, 3 1s 3, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ये है सॉल्व एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि कैसे हम लोग नंबर में कंपेयर करेंगे, कौन सा ग्रेटर नंबर है और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है ये 4 डिजिट्स के अंदर में, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कंपेयर द नंबर 996 एंड 1039, तो ये हम इसमें कंपेयर करेंगे ये दोनों नंबर में कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ 996 इज अ 3 डिजिट्स नंबर, यहाँ कितने डिजिट्स है, 1 2 एंड 3, 3 डिजिट्स है, इसलिए इससे लिखा गया है कि इसमें 3 डिजिट्स है। उसी तरीके से 1039 इज अ 4 डिजिट नंबर, 1039 जो है ये 4 डिजिट्स का नंबर है। तो हम इजी वे में बता सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है इसे, लेकिन हम लोगों ने पीरियड वाइज सजा दी, प्लेस वैल्यू के में सजा दिया है ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जा सके। देखिए 1s 10s 100, यहाँ सिर्फ हम लोग को 1s 10s 100 में ही हमारा डिजिट नंबर बन गया, ठीक है। अब यहाँ कितना है तो 1s 10s 100 1000 तक आ गया है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, आप देख सकते हैं ये 996 है और ये 1039 है, यहाँ 4 डिजिट्स का नंबर है, इसलिए ये 996 ग्रेट स्मॉलर देन छोटा है किससे, 1039 से, ठीक है, ये इससे छोटा, और हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया तो 1039। इसमें 4, देखिए जनरली हम ऐसे देख सकते हैं कि इसमें 3 डिजिट्स है, इसमें 4 डिजिट है, इसलिए भी ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, ठीक है, नॉर्मल वे में। बट हम अगर पढ़ के देखते हैं, हमें प्लेस वैल्यू याद है, तो ये भी 1s के प्लेस में, ये भी 1s के प्लेस में, यहाँ 10s के प्लेस में, यहाँ 10s के प्लेस में, यहाँ 100 के प्लेस में, यहाँ भी 100 के प्लेस में, पर आप देख रहे हैं ये 1000 का प्लेस यहाँ नहीं है और यहाँ 1000 का प्लेस दिया हुआ है, इसलिए ये नंबर हमारा ग्रेटर है, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों नंबर के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। आप देखिए सेकेंड एग्जांपल्स में भी मैं आपको बता दूँ, कंपेयर द नंबर 4056 एंड 4230, ये दोनों ही नंबर क्या है, बोथ आर 4 डिजिट्स नंबर, ओके, सो अरेंज देम एज पर प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों ही नंबर जो है वो 4 डिजिट्स के नंबर है, तो आपको थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है कि अब कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, इसलिए हम लोग इससे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में भी सजा सकते हैं और बिना प्लेस वैल्यू, अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट अच्छे से याद है, आपको नंबर पढ़ने आ रही है, तो आप इजी वे में खुद ब खुद बना सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ने दोनों नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में सजा दिया, ठीक। अब देखिए फर्स्ट नंबर हम लोग मिलाते हैं, दोनों में ही 1000 1000 का प्लेस वैल्यू है, 1000 का प्लेस है, और इस 1000 के प्लेस में कौन सा डिजिट लिखा हुआ, तो दोनों में ही 4 लिखा है, यहाँ भी 4 लिखा और यहाँ भी 4 लिखा, तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब सेकंड प्लेस में आते हैं, सेकंड प्लेस किसका होता है, 100 का होता है, और यहाँ 0 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, ओके, यहाँ 0 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि 100 के प्लेस में दोनों नंबर इक्वल नहीं है, दोनों में चेंजेस आए हैं, ठीक है, यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, तो 0 और 2 में तो 2 ग्रेटर होता है, 0 स्मॉलर होता है, इसलिए हमें यहीं से पता चल गया कि कौन नंबर ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है और हमारा साइन किस तरीके से पुट होगा। देखिए
ये तो कौन सा नंबर छोटा हो गया, 4056 स्मॉलर हो गया है और 4213 ग्रेटर हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इस नंबर को कंपेयर करके पता कर लिया है कि हमारा साइन किस तरह ग्रेटर किस तरीके से लगाएंगे, तो कि हमें स्मॉलर का और ग्रेटर का साइन भी पता चल जाएगा। ठीक है, कौन नंबर ग्रेटर हो रहा है और कौन स्मॉलर। जिस तरफ ये सोचिए, एक मछली है, ठीक है, मछली इस नंबर को का मुंह जिस तरफ बंद रहेगा वो स्मॉलर होता है, जिस तरफ फिश का मुंह खुला रहेगा उस तरफ ग्रेटर होता है। मतलब फिश जो है वो स्मॉलर नंबर को नहीं खाती, वो ग्रेटर नंबर को खाती है। ये आपके समझने के लिए मैंने ऐसा बताया है। ठीक, ये आप साइन पुट करके आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं दो नंबर के बीच में। अब देखिए, थर्ड एग्जांपल है, इसे भी मैं बता दे रही हूँ। एग्जांपल्स नंबर 3, कंपेयर 3250 एंड 3290। अब इस दोनों नंबर के बीच में हमें कंपेयर करना है, ये दोनों भी कितने डिजिट्स के हैं, तो 4 डिजिट्स के हैं। ठीक है, अब इसलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे किस में, प्लेस वैल्यू चार्ट में। सो अरेंज देम एज प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, नाउ सी, वंस सबसे पहले हम लोग 1000 के प्लेस को देखते हैं। दोनों के डिजिट 1000 के प्लेस में दोनों डिजिट सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक, अब यहाँ 100 के प्लेस में आते हैं, यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है और दोनों ही डिजिट सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। अब हम लोग टेंस के प्लेस में आते हैं, टेंस के प्लेस में यहाँ 5 है और यहाँ टेंस के प्लेस में 9 है ना। तो अब देखिए, 5 और 9 में कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है। तो ये जो 5 है ये स्मॉलर है और 9 जो है हमारा वो ग्रेटर है। ठीक, अब देखिए, हम लोग वंस के प्लेस में नहीं जाएंगे क्योंकि वन के प्लेस में दोनों में ही 0 है और यहाँ। तो देखिए, हम लोग टेंस टेंस के प्लेस में देख रहे थे, टेंस के प्लेस में 5 था और यहाँ टेंस के प्लेस में 9 है। ठीक है, तो ये 5 और 9, अब इसमें हमको कंपेयर करना है। तो ये दोनों में हम जानते हैं 5 डिजिट डिजिट 5 जो है ये हमारा छोटा है और डिजिट 9 जो है ये हमारा बड़ा है। अब हम इन दोनों नंबर को अच्छे से कंपेयर कर सकेंगे क्योंकि यहाँ से ही हमें ग्रेटर और स्मॉलर पता चल गया। और देखिए एक चीज़, दोनों वंस प्लेस में 0 ही है, तो हम इसलिए 5 और 9 को देख लेते हैं और ये दोनों टेंस के प्लेस में है। ठीक, अब देखिए, यहाँ हो गया 3250 और यहाँ है 3290, तो इसलिए कौन सा नंबर आपको मिलता है, तो 3290 ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है किससे, 3250 से। ठीक है, तब हम लोगों ने इस साइन के साथ भी देखा। अब देखिए, मैं आज आपको टुडे वर्क दे देती हूँ, टुडे वर्क फॉर यू, कुछ वर्क है जो मैं आपको दे रही हूँ। अब देखिए, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब पर मैं एक और, ये आप लोग को छोटा सा एग्जांपल एक्सपेंडेड फॉर्म का मैं आपको, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म का मैं आपको दिखा दूँ। एग्जांपल नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो नंबर्स है इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो ये आप देख रहे हो, यहाँ 8700 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 6 है। ठीक, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो 8000 प्लस 700 प्लस 56 प्लस सॉरी 50 प्लस 6, इन सभी को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा 8756 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बी पे आते हैं, बी नंबर में, और यहाँ 3000 है, प्लस का साइन दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ 100 के प्लेस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अब डायरेक्ट आ गया यहाँ 50 का प्लेस, तो टेंस का प्लेस आ गया है जो कि प्लस 50 है और प्लस 1। अब देखिए, यहाँ बी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3000 प्लस 50 प्लस 1। अब आप यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ 100 का प्लेस नहीं है, इसलिए वहाँ क्या लिख देना, हम लोग को 0 लगाना है। ठीक है,
आप देखिए इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तीनों नंबर्स को, तो हमको कौन सा नंबर मिलता है, 3051। देखिए मैंने यहाँ 100 के प्लेस में ज़ीरो लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ 100 का प्लेस नहीं दिया है, फिर भी हम लोग उसे में ज़ीरो पुट कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ ज़ीरो पुट कर दिया। आप देखिए एक्सरसाइज 1.4 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये देखिए ये कुछ नंबर, यहाँ जो नंबर्स दिए हैं 6342, इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, आपको पहले भी मैंने बताया कि आप इसे एक तो प्लेस वैल्यू के ज़रिए लिख सकते हैं और एक आप ज़ीरो पुट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ये सिक्स जो है थाउजेंड के प्लेस में था, इसलिए यहाँ 6000 मैंने लिखा, ये थ्री हमारा वंस टेंस हंड्रेड, और ये थ्री जो है हमारा 300 के प्लेस में, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 300 लिखा है, फिर प्लस का साइन दिया, और फोर जो है हमारा टेंस के प्लेस में है, इसलिए हम लोगों ने टेंस 40 लिखा है यहाँ, और टू जो है हमारा वंस के प्लेस में, इसलिए हम लोगों ने यहाँ टू लिखा है। देखिए एक मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है ताकि आप इजी वे में इसे बना सकें, ठीक है। अब देखिए राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो हम सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमें ये कौन सा फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे। तो जब तक हम ये सभी को ऐड नहीं करेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगा, इसलिए हम ऐड करते हैं। देखिए यहाँ वंस के प्लेस में 8 है, टेंस के प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो हम पहले यहाँ 8 लिख देंगे, फिर टेंस का प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ 0 लिखेंगे, फिर 4 का प्लेस आता है वो 100 का प्लेस होता है, तो फिर हम लोग यहाँ 4 लिख देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ 3 लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये बन गया 3408, ओके। नाउ लास्ट वाला मैंने ये क्वेश्चन जो है इसे मैंने आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया है। अब देखिए ये हमारा ये चारों डिजिट नंबर को मैंने ऐड कर दिया है, और 3 हम लोग ऐड किए हैं कितने से, 80 से, और फिर 100 को ऐड किया, फिर 6000 को, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या बन गया, 6183। अब देखिए यहाँ कंपेरिजन ऑफ नंबर है। अब हम जब किसी भी दो नंबर के बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको उसको उस सेकेंड टॉपिक में पढ़ाया था, अभी कंपेयर नंबर टू नाउ विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। हम कैसे किसी नंबर को जान पाएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, कैसे हम कंपेयर करते हैं, तो टू कंपेयर नंबर विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट। हम कंपेयर करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से और उसके डिजिट्स से, ठीक है। अ नंबर कंटेनिंग मोर डिजिट्स इज ऑलवेज ग्रेटर। देखो एक नंबर जब वो ज़्यादा नंबर, ज़्यादा डिजिट कंटेन करता है, जैसे किसी में 3 है किसी में 4 डिजिट्स है, तो वो आपको पता चल रहा है कि 4 डिजिट वाला नंबर ग्रेटर है, ठीक है। अब देखिए टू कंपेयर नंबर विद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं नंबर से, सेम नंबर जो होगा उसको डिजिट से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। स्टेप वन पे आप आते हैं, स्टार्ट कंपेयरिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इन ईच नंबर। अब हम लोग को देखिए पहले हम नंबर हमेशा राइट साइड से पढ़ते थे, पर जब हम नंबर को कंपेयर करते हैं तो हम वो कंपेयर करने में हम फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आते हैं, द नंबर हैविंग ग्रेटर डिजिट इज ग्रेटर, ओके। देखिए बोल रहा है जो नंबर हमारे पास है वो ग्रेटर है, वो भी ग्रेटर हो सकता है, और जो दोनों डिजिट्स भी है वो दोनों डिजिट्स इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर भी हो सकते हैं। इससे फिर हम लोग थर्ड डिजिट को देखेंगे कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर। स्टेप थर्ड पे आते हैं, बोथ द डिजिट्स आर सेम देन मूव टू द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड सून। वही बताते हैं जैसे कि हम लोग पहले दोनों नंबर को देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर पहले का दोनों नंबर ग्रेटर है, फिर हम लोग थर्ड डिजिट्स पे आते हैं या सेकंड डिजिट पे आते हैं, उसमें देखेंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, ओके। देखिए अब मैं आप लोग को इसके होमवर्क दे देती हूँ, वो एक्सरसाइज 1.5 का है।
एक्सरसाइज 1.5 पे आते हैं। अब हम लोग आज का वर्क जो मैंने पहले दिया था वो एक्सरसाइज 1.4 था, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग को दो नंबर के बीच में कंपेयर करना है। देखिए जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इधर ये ग्रेटर एंड स्मॉलर, सॉरी ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल साइन, ठीक है। तो हम अब इसमें आपका ये ग्रेटर साइन भी आप दे सकते हैं, ये स्मॉलर साइन है और ये इक्वल का साइन है, ठीक। अब देखिए हम ये दोनों नंबर के बीच में कंपेयर करते हैं कौन सा ग्रेटर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट के प्लेस को देखते हैं, फर्स्ट प्लेस जो लेफ्ट साइड से देखेंगे फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट डिजिट्स 1 है दोनों में, तो दोनों इक्वल है। 5 के का डिजिट्स देखते हैं, सेकंड प्लेस पे आते हैं दोनों ही इक्वल है, थर्ड प्लेस में जब आते हैं तो देखते हैं 1 है और यहाँ 2 है, ठीक। तो अब 2 और 1 में हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। तो 1 जो है हमारा वो स्मॉलर है और 2 हमारा ग्रेटर है, ठीक है। इसलिए ये नंबर हमारा जो है ग्रेटर हो गया, ओके, और ये नंबर स्मॉलर हो गया। तो 1517 हमारा स्मॉलर हो गया, 1527 ग्रेटर हो गया, ओके। इसी तरीके से आप ये सभी सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें यहाँ भी आपको बनाने के लिए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चंस है जिसे आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एन सर्कल द ग्रेटर नंबर। यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं जिसको आपको सर्कल करना है और सर्कल करके हम लोग को देखना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। वही फर्स्ट डिजिट से हम लोग कंपेयर करेंगे, इसका फर्स्ट डिजिट लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट यहाँ 1000 का है दोनों का ही प्लेस, और दोनों प्लेस में एक में 3 है एक में 5 है, तो दोनों का हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों में देखते हैं ये 3 है और ये 5 है, तो 5 हमारा जो है वो ग्रेटर हो गया, 3 स्मॉलर हो गया, इसलिए ये नंबर जो है हमारा वो ग्रेटर नंबर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप स्मॉलर में आइए, एंड सर्कल द स्मॉलर नंबर। अब देखिए इसमें हमको सर्कल करना है किसे, जो स्मॉलर पे स्मॉलर हो, दोनों नंबर में जो स्मॉलर हो, ठीक है। अब हम लोग इसको भी फर्स्ट डिजिट से मिलाएंगे, जो फर्स्ट प्लेस पे है वो 4 है और वो दोनों ही जगह 1000 पे है, और दोनों 1000 के प्लेस में 4 है तो दोनों इक्वल है। अब देखिए आते हैं थर्ड प्लेस में, यहाँ 0 हो गया और यहाँ 5 आ गया, ठीक है। थर्ड प्लेस में ये 0 है और ये 5 है, तो हम देखेंगे कि यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, तो 0 और 5 में कौन स्मॉलर कौन ग्रेटर है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि 0 स्मॉलर है और 5 ग्रेटर है। इसलिए हम लोग इजी वे में पता कर सकते हैं कि ये नंबर हमारा स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। जनरली अगर हम पढ़ के भी पता कर सकते हैं, 1000, ओके, तो ये हो गया हमारा 4576 और यहाँ 1000, तो 4067। अब इसको हम इजी वे में पढ़ के भी हम पता कर सकते हैं कौन स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है, लेकिन आपको जो प्रोसेस बताया गया उससे भी आप करेंगे तो उससे कभी मिस्टेक नहीं होगी, आप इजी वे में पता कर सकते हैं, ठीक है। इस होमवर्क को सॉल्व कीजिएगा, ये आज आपका वर्क है। थैंक यू।